तो आज नवरात्र का दूसरा दिन है। भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते नजर आ रहे हैं, जिन्हें माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माना जाता है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और हर कोई माँ की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। चार तस्वीरें आपके सामने हैं, मुंबई के मुंद्रा देवी की तस्वीरें हैं, इसके अलावा दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, दिल्ली के ही कालका देवी मंदिर की तस्वीर और गोरखपुर के काली देवी मंदिर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और हर कोई माँ का दर्शन पूजन करने के लिए आतुर नजर आ रहा है। और आने वाले अगले बाकी जो दिन बचे हैं नवरात्र के, उसमें भी इसी तरीके की तस्वीर दिखने को मिलेगी। और हमारी सहयोगी हर्षा ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्षा, क्या कुछ तस्वीरें हैं आज के दिन, क्योंकि माहौल तो पूरे के पूरे 9 दिन एक सरीखा ही रहने वाला है। अंशिका, आप और मैं झंडेवाला मंदिर में हूँ। अंशिका, कल मैंने आपको काफी ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें दिखाई थी झंडेवाला मंदिर से, लेकिन देखिए आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। शक्ति के 9 रूपों में से आज ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जा रही है। आज माँ का श्रृंगार भी अलग है, लेकिन भक्तों का तांता और जो सैलाब है अंशिका, वो बिल्कुल बरकरार है। जितने भक्तों की कतारें हमने कल देखी थी, उससे कहीं ज्यादा हम आज भी देख रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि झंडेवाले माँ के मंदिर की मान्यता भी कुछ इस तरह की है कि दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। इसीलिए अंशिका, मैं सबसे पहले आपको माता के दर्शन करा देती सुबह सुबह, क्योंकि आज ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा हो रही है। माँ का श्रृंगार बेहद खास है और थोड़ा सा सादा रखा गया है। श्वेत रंग के जो वस्त्र है वो माँ को आज पहनाए गए हैं, इसीलिए आज ब्रह्मचारिणी रूप के अनुसार ही जो आज जो पूरा श्रृंगार है, जो पूरा गेटअप है माँ के दरबार का, बिल्कुल इसी तरह से किया जा रहा है। और सुबह से ही यहाँ पे भक्तों का सैलाब मौजूद है। सुबह 4 बजे आरती हुई थी और 4 बजे की आरती के लिए अंशिका सबसे ज्यादा भारी संख्या में यहाँ पे भक्त पहुंचते हैं, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं कि सुबह की 4 बजे की आरती में लोग ज्यादा से ज्यादा रहे। दूसरी आरती अंशिका शाम को होगी लगभग 7 बजे। लेकिन आज के दिन का महत्व क्या है अंशिका, क्यों आज ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने से क्या तमाम चीजें, आराधना करने से भक्तों क्या तमाम चीजें मिलती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती, क्योंकि कहते हैं कि इस रूप की पूजा करने से तब त्याग, संयम, सदाचार, इन सभी गुणों में वृद्धि होती है। और इसीलिए आज के दिन जो लोग उपवास रखते हैं, जो नहीं भी रखते हैं, वो पूरे निष्ठा के साथ अगर आराधना करते हैं, ये तमाम गुणों में उनके जरूर वृद्धि होती है। हमारे साथ रविंदर गोयल जी भी हैं। रविंदर जी, जो मैं बता रही थी कि तपो की देवी है ब्रह्मचारिणी, इसमें और क्या खास है, क्या तमाम मान्यता? देखिए, ये नवरात्र जो है ये माँ के 9 स्वरूपों की पूजा, एक प्रकार से शक्ति की आराधना है। अलग अलग रूपों में उसकी पूजा करने से भक्त को शक्ति मिलती है और उसको बड़ी आत्मिक शांति मिलती है। इन दिनों ये जो माता के नवरात्रे, ये इस समय वातावरण भी एक ऐसा विशेष होता है और पूरे वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा रहती है। उस ऊर्जा को हमें प्राप्त करना है माता के अलग अलग स्वरूप के माध्यम से, और जैसे भक्त एक उसकी जिसकी जैसी कामना होती है वो माता के उसी स्वरूप की पूजा कर और अपने मन की कामना पूरी करता है। तो ये आज जो है दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। तो माता ने हजारों वर्ष भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारिणी के रूप में उनकी पूजा कर उनको प्राप्त किया था। तो ऐसे महिलाएं जो हैं वो अपना मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए भी ब्रह्मचारिणी की स्वरूप की पूजा करती हैं और उनको अपना मनचाहा वर मिलता है, ऐसी मान्यता है। जी, मैंने कथा में कुछ ऐसा ही पढ़ा है कि ब्रह्मा जी ने खुश होकर के तभी कहा था कि हजारों वर्षों में कभी ऐसा तप किसी में देखने को नहीं मिला, किसी ने ऐसा तप नहीं किया जिस तरह का तप माँ ब्रह्मचारिणी ने किया था। ये स्वाभाविक है, माँ पार्वती ने जिस प्रकार से शिव को प्राप्त करने की उन्होंने जिस प्रकार की तपस्या की, ऐसा हमारे पुराणों में, इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलता है। और शिव को साधना और उनको प्राप्त करना ये बहुत ही कठिन काम था। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल अंशिका, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना आपसे, झंडेवाला मंदिर में जो कोई आता है बस यहाँ का होकर रह जाता है। सबको लगता है कि शाम की माता की चौकी तक दर्शन करने के बाद तक बस यही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोगों के चेहरों पे जुस्सुक और सुकून अंशिका देखने को मिलता है। बिल्कुल हर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए। तो माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आज पूजा है, खास महत्व आज के दिन का। इस बुलेटिन में इतना ही, रुक रहे हैं कुछ पलों के लिए, खबरें आगे भी जारी रहेंगी।